रूस यूक्रेन जंग के दौरान किए जा रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। रूस लगातार यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बना रहा है, वहीं यूक्रेन भी रूस के हमलों का करारा जवाब दे रहा है। ऐसे में रूस ने सीधे सीधे यूक्रेन को चेतावनी दे डाली है। रूस का कहना है कि यूक्रेन अगर किसी बड़े हमले का प्लान बना रहा है तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। वहीं खबरें सामने आ रही थी कि यूक्रेन कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने का प्लान बना रहा है, लेकिन इस बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रासी ने कहा कि कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर यूक्रेन ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तो तबाही बहुत ज्यादा होगी, यह एक एटॉमिक हादसा होगा और तबाही चेर्नोबिल जैसी होगी। यूरोपियन कमेटी ऑन रेडिएशन रिस्क के साइंटिफिक सेक्रेटरी डॉक्टर क्रिस बस्बी ने डर जताया है कि अगर यूक्रेनी सेना ने कुर्स न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तो यहां हादसा बेहद भयानक हो सकता है। ग्रॉसी ने कहा कि प्लांट बेहद कमजोर है, इसमें सुरक्षात्मक गुंबद यानी कॉन्क्रीट की वैसी दीवार नहीं है जो इसे मिसाइल या ड्रोन हमले से बचा सके। डॉक्टर क्रिस बस्बी ने कहा है कि असल में जेपोरोजी न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, इसके साथ ही मोटी कंक्रीट की दीवार का सुरक्षा घेरा है जिसे छेदना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके स्पेंट फ्यूल पूल्स यानी वो जगह जहां पर इस्तेमाल किया हुआ ईंधन रखा जाता है वहां पर हमला किया जा सकता है, वो भी खतरनाक स्पॉट है रेडिएशन फैलाने के लिए। लेकिन कुर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट की यहाँ तो RBM के रिएक्टर है जैसे चेर्नोबिल में थे, इनके चारों तरफ कंक्रीट की मोटी दीवार या सुरक्षा कवच नहीं है, इसलिए इन पर मिसाइल या ड्रोन हमला खतरनाक हो सकता है जो कि रिएक्टर को तबाह कर देंगे। यहां मिसाइल गिरते ही न्यूक्लियर धमाका होगा जिससे रूस में बड़े स्तर पर तबाही मच सकती है।